नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम हरियाणा जी के डेली डोज कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कराइए। तो मैं दोस्तों मैंने बताया था कि मैं आपको वीक में 2 सेशन कराऊंगा कंप्यूटर के 20-20 क्वेश्चंस के। तो पहला सेशन मैं आज आपको करा रहा हूं दोस्तों। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, साथ के साथ डिटेल्स भी बताऊंगा। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो ये मैं 20 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा दोस्तों डिटेल के साथ, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी दीजिए कि आपने जो पढ़ा है कंप्यूटर कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, जो हरियाणा में एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। अब तो जो भी ज़्यादातर एग्जामों में, जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं और भी काफ़ी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बहुत ही कंपलसरी हो गया है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में कंप्यूटर आता है दोस्तों। तो कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, तो मैं आपको कंप्यूटर के जो हैं जो मेन मेन क्वेश्चन, जो कंप्यूटर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आए हैं पिछले एग्जाम्स में, वही को जो क्वेश्चन है वही कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज़ के बने होते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वे किसके बने होते हैं दोस्तों, जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, आईसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वे किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो वे किसकी बनी होती है दोस्तों, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। जब भी आप देखो, कभी भी आप इंटरनेट पे आप वो लिखते हैं तो वहाँ पे HTTP आया होता है। तो जो एड्रेस होता है ऊपर, जो एड्रेस गूगल में ऊपर जो एड्रेस देखेंगे, जो एड्रेस बार होता है हमारे सामने, जो ऊपर एड्रेस होता है उस पर HTTP आया होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बताओ क्या होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक जो भी आप सर्च करते हैं उसको निकाल के लाता है पूरे उसमें से, गूगल के अंदर से ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, सब मिलते जुलते से दे रखे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको आंसर लगाना है दोस्तों एग्ज़ाम में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो मिलते जुलते देंगे और आप जल्दबाजी में गलत कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल माइंड आपका स्टेबल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। देखो, बच्चों को जो समझाने के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है, बताओ अपना आंसर दे दीजिए आप। तो बच्चों को समझाने के लिए दोस्तों कौन सी भाषा यूज की जाती है, लोगो। कौन सी, लोगो। लोगो क्या है, जैसे कोई भी लोगो है, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो उसी लोगो के हिसाब से क्लिक करेगा ना। बच्चे को जैसे समझाने के लिए क्या दिया जाए, लोगो दिए जाएंगे, जैसे पिक्चर वगैरह से समझाया जाएगा, तो क्या होगा, लोगो। सी आंसर होगा, क्या होगा, सी। जावा तो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, बेसिक भी लैंग्वेज है और पायलट भी एक लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, सी, लोगो। लोगो से बच्चों को समझाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोडांतरक, ये हिंदी में थोड़ा सा कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, अब बच्चे ज़्यादातर हिंदी वाले हैं, तो कोडांतरक होता है ना, जो असेंबलर होता है दोस्तों, असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, ठीक है। कैसे प्रोग्राम को, मतलब रूपांतरण कैसे उसका बदलता है, तो असेंबलर क्या होता है, असेंबलर जो है असेंबली जो लैंग्वेज होती है, एक असेंबली एक लैंग्वेज है जिसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या होता है,
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कोडांतरण से मशीन तक, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो आंसर होगा डी, क्या आएगा डी, कोडांतरण से मशीन तक मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, बताओ, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या पीडीए, बताओ क्या कहलाता है। वो होता है दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, लैपटॉप का मतलब ही गोद में रखना होता है। जैसे आप जिसको अपने पास रख के, गोद में रख के गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो लैपटॉप को अपनी गोद में रख के आप काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, नोटबुक कंप्यूटर इसको बोलेंगे। नोटबुक, ये नोटबुक की तरह खुलता है, आपको पता है लैपटॉप नोटबुक की तरह खुलता है, तो क्या होगा नोटबुक कंप्यूटर। तो आंसर होगा इसका बी, लैप, लैप से ही बना है, गोद से ही, ठीक है। तो नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरे कौन सा यूनिट होता है, बताओ। सीपीयू में एक तो कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होती है, और तीसरी कौन सी यूनिट होती है, बताओ। माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अरिथमेटिक लॉजिक, तो क्या होगा दोस्तों डी, आंसर क्या है डी। सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। जो अर्थमेटिक, जो भी अर्थमेटिक प्रोसेसन है, अर्थमेटिक जो लॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल से रिलेटेड है, प्रकाश से, प्रकाश से जो बीम, लेजर बीम पड़ती है दोस्तों, उससे मतलब है ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, बताओ। बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरीज, बताओ। तो इसमें जो सीडी रोम है ना दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी जो है ऑप्टिकल मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। फ्लॉपी, फ्लॉपी आपने देखी होगी, फ्लॉपी अब तो नहीं आती, पहले आती थी, अब तो सीडी का भी खत्म हो गया है, अब तो पेन ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। तो सीडी में क्या होता था, सीडी अंदर ऐसे घूमती थी और उस पर लेजर बीम पड़ती थी दोस्तों, ठीक है। तो उसी से बनी है सीडी, तो सीडी रोम इसकी ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है, सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी से समझ जाओ आप, मल्टी मतलब जैसे एक एक ही टाइम में काफ़ी कई काम करना, मल्टी मल्टी, विभिन्न विभिन्न, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेस, बिना प्रोसेसर के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, और एक प्रोसेसर से मल्टी टास्किंग तो हो सकती है लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, तो आंसर होगा बी, ठीक है, आंसर होगा बी, ठीक है। मल्टीटास्किंग जैसे कोई टास्क है हम एक कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो देखो क्या करता है, कंप्यूटर से भी टास्क को कोई इकट्ठा इकट्ठा नहीं लेता, वो एक को लेता है, फिर उसको जब वो वेटिंग में डाल देता है तो दूसरे को करने लग जाता है। तो इस तरह से एक टाइम में मल्टीटास्किंग हो जाएगी, प्रोसेसिंग तो एक से एक, एक से अधिक जो प्रोसेसर है वही कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, तो ठीक है दोस्तों। तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस कर सकता है एक कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है, सीपीयू और आईओ, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, बताओ। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, बताओ। ये तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है दोस्तों, किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। तो आंसर होगा ए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू का बताया आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरी मेमोरी सी है, मेमोरी यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, क्या होती है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर, बताओ क्या होती है दोस्तों। तो वो होती है प्रोसेसर, क्या होता है, प्रोसेसर जो होता है ना वो ही
डाटा को एक इन्फॉर्मेशन, पूर्ण अर्थ पूर्ण इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है। जैसे आपने डाटा दिया तो उसको अच्छे से जो भी उस पर मतलब है, उस पर लॉजिकल यूनिट है और उसको सब कोई जो है प्रोसेसर प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस तो आपका डाटा को एंटर करने के काम आती है। प्रोग्राम जो है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। प्रोटेक्टर क्या है, प्रोटेक्टर जो है एक बोर्ड होता है जिसमें हम डिवाइसेस को लगाते हैं, तो वो क्या है उन डिवाइसेस को जैसे लाइट की जैसे बिजली ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रोटेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, प्रोसेसर। क्या है, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन हमारे सामने। प्रोसेसर के तीन भाग कौन से हैं? प्रोसेसर में तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ। प्रोसेसर में तीन भाग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं बताओ। प्रोसेसर में तीन भाग होते हैं, तो वे होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो भी डाटा होता है उसको कंट्रोल करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करके उस पर जो भी फंक्शन वंक्शन लगाने हैं, जो भी कुछ करना है उसका अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी काम करना है वो करती है, और रजिस्टर्स क्या करते हैं उस जो डाटा है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो ALU में क्या, इसमें क्या होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें प्रोसेसर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या होते हैं दोस्तों, रजिस्टर ये वाले रजिस्टर नहीं जो कॉपी पेन वाले रजिस्टर, वे वाले नहीं, छोटी छोटी सी ICs होती हैं उनको रजिस्टर बोला जाता है, वे डाटा का ट्रांसफर करने के काम आती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए, गणना करने के लिए और तुलना करने के लिए बताओ। सीधी सी बात, अभी मैंने पीछे बताया आपको किसका यूज किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ALU का यूज किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना जो भी कंप्यूटिंग करनी है या उनको मतलब ऊपर नीचे जो भी तुलना करनी है वो क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, CPU के ALU में होते हैं, बताओ क्या होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड, क्या होते हैं दोस्तों, रजिस्टर होते हैं। ALU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं, जो डाटा जो प्रोसेस होता है, जो डाटा होता है उसको इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सब मतलब ज़्यादातर प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, ये पहला दिन है आपका, मैंने आसान क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मदरबोर्ड तो जो है पूरा जो अंदर मदरबोर्ड लगा होता है जिसमें सारी ICs वगैरह चिप्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, वो पूरा मदरबोर्ड होता है दोस्तों। मेमोरी जो है डाटा स्टोर करने के काम होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वही प्रोसेस करती है, नाम से ही पता लग रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इनपुटिंग भी लिख कर सकता है, आउटपुटिंग भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। ठीक है, आप बोल रहे हो उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग भी करता है कंप्यूटर, इनपुटिंग भी करता है और आउटपुटिंग, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। परिचालन संपन्न करता है, परिचालन मतलब प्रोसेसिंग कौन संपन्न करता है बताओ, प्रोसेसिंग पूरी जो प्रोसेसिंग है वो कौन संपन्न करता है, प्रोसेसिंग जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम अर्थमेटिक SKI, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक है वही प्रोसेसिंग करता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, 17वां क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी बेसिक काम कौन सा नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना बिल्कुल है, टेक्स्ट को स्कैन करना, जो टेक्स्ट लिखा उसको स्कैन करना नहीं, ये नहीं है, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, तो कौन सा नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। ठीक है, डाटा को स्टोर भी करना है। ठीक है, कंप्यूटर का काम डाटा को स्टोर, तो कंप्यूटर का काम डाटा को स्टोर करना भी है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना काम नहीं है, जो कंप्यूटर का काम है टेक्स्ट को स्कैन करने का काम नहीं है,
डाटा को प्रोसेस भी करता है, इनपुट को स्वीकार भी करता है और डाटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करने का काम उसका बेसिक कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, जो सेंट्रल सीपीयू होता है उसका मेन फंक्शन क्या है बताओ। डाटा को डिलीट करना, नहीं। इनवॉइस बनाता है, नहीं। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, जो भी गणना होती है वो और प्रोसेसिंग करना उसका काम होता है, सी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था बताओ, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। क्या था दोस्तों, ENIAC। क्या था, ENIAC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ENIAC नाम था दोस्तों इसका। सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम है ENIAC था दोस्तों। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों, ENIAC की जो फुल फॉर्म थी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक, ई से बन गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से बन गया न्यूमेरिकल, और आई से बना इंटीग्रेटर, एंड ए से एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये सबसे पहला कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है, ये 1946 में बना था दोस्तों, 1946 में बना था, जॉन मुकली और जे प्रेस्पर ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, ये जो सबसे पहला कंप्यूटर था ये अमेरिका के थे, ठीक है, इन्होंने बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो ENIAC जो था सबसे पहला कंप्यूटर था दोस्तों। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस बताओ, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है दोस्तों वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ठीक है, ये 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, जो NIIT है ना, भारत की जो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ठीक है, जो भारत के जो कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा बड़ा वो है कॉरपोरेशन है NIIT, उसकी जो 20th एनिवर्सरी थी ना, जो 20वीं एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में 2001 में इसे 2 दिसंबर को क्या किया था, कंप्यूटर लिटरेसी डे घोषित किया था, कंप्यूटर साक्षरता दिवस घोषित किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 दिसंबर को है दोस्तों। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में कल मैं आपको अगले 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन होंगे, थोड़े से टफ होंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं डिटेल से बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर कंप्यूटर में हमें दिक्कत आ रही है, तो कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की आप, लेकिन शॉर्टकट कीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट की पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट की पे आते हैं, तो वो आपको याद करनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपको स्वयं से याद करनी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।